महेंद्रगढ़ में पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर बदमाश एक कैदी कुख्यात बदमाश को फरार करा ले गए। इस वारदात में चार पुलिस वाले घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत नाजुक बनी हुई है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से बदमाश आए और पुलिस हिरासत में विक्रम पपला को पुलिस पर फायरिंग कर फरार करा ले गए। दरअसल कुख्यात बदमाश विक्रम पपला पर हत्या और लूट जैसे कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं और वो नारनौल जेल में बंद था। शुक्रवार को विक्रम पपला को महेंद्रगढ़ कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। जैसे ही पुलिस वैन से कैदियों को उतारा जा रहा था, तभी 8 से 10 बदमाश हथियार लेकर आए और पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे और पुलिस हिरासत में पपला बदमाश को फरार करा ले गए। उनको उतरवाने के लिए गया सहायता के लिए। जैसे ही खिड़की खोली वैन की, एक अंदर से मुजिम भागने की उसने बाहर कोशिश की, उन्होंने पकड़ लिया था। उस पर गोलियां चलने शुरू हो गई थी हमारे पे, और फिर एक बंदा और आया, उसको मारपीट करने लगा, उसको हमने पकड़ लिया। इतने में हमारी गोली लग गई, पिस्टल निकालने को निकल मैंने निकाला ही था, इतने में हमें गोली लग गई, फिर मैं वहाँ गिर गया था। चार पुलिस वालों लग गए, एकदम अटैक कर दिया। ये तो पुलिस तो जो गार्ड थी उनके पास भी हथियार थे। यार प्रयत्न किया तभी तो एक बचिया। एक ऐसा है, एकदम जो अटैक कर देगा बंदा जो, वो तो ये तीसरी लड़ाई में तो है गोरिल्ला वार है एक किस्म का। ये तो पहले जिन्हें बिल्ली मार ली उन्होंने अटैक कर दिया, तो ये डिफेंसिव हो जाते हैं। जिस पे होगा वो डिफेंसिव होगा, उसके बाद आपके हाथ में रिवॉल्वर हो, मैं गोलियां चलाता हूँ आपके साइडों से निकले, आप डिफेंसिव होंगे। आप और उसमें देखे तो अपने को बचाने के लिए डिफेंसिव होगा, तो उसके हाथ में बिल्कुल पिन पॉइंट कर रखा उसने असला रखा कैसे है। कैसे हथियार थे जो आपने फुटेज वगैरह देखे उनके पास? सर कितने आदमी सर कितने आदमी थे जो घायल हुए हैं? काफ़ी मतलब पाँच छः आगे थे, बाकी दो गाड़ियों में थे, बाकी आदमी पीछे थे। कितने पुलिस वालों को गोली है? कितने पुलिस? चार को पुलिस वालों को गोली लगी है सर। जो कहते तीन तीन, एक को कुल्ले पे लगी है, दो को उसमें टांग पे लगी, एक को सिर पे लगी है, उसकी क्रिटिकल सिचुएशन है धर्म भी। सर कैदी को हमलावर भगाने में कामयाब रहे हैं, तो इसमें जो पुलिस है उसकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते हैं, जिनसे पुलिस कस्टडी को नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे आदमी पूरा असिस्ट किया, पूरा उन्होंने वक्त असिस्ट किया उनको जान। सर देखिए सुरक्षा के लिहाज से पहले भी कोर्ट में गोलियां चली थी, उसके बाद अब दोबारा इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना कि 5 से 6 मामले में वांछित जो आरोपी था उस पर हमला करके ले जाना, कहीं ना कहीं पुलिस की चूक तो है। पुलिस की कोई इसके अंदर 1% भी चूक नहीं है, क्योंकि इसमें जो है 8 मुलाजिम लगाए हुए थे इसके ऊपर, 8 मुलाजिम की गार्ड पूरी लगी हुई थी इनके ऊपर और पूरे अंदर तक लेके आए। ये तो अचानक एकदम हमला हो गया उसके करके उसको लेकर गए, अदरवाइज तो बस इनके पास भी था, वो तो एकदम अटैक किया, अटैक करके और उसको बंदे को लेके गए हैं। तो पुलिस की तरफ से कुछ आके किया गया क्या है? पुलिस की तरफ से गोली चलाई गई? वो तो उसी टाइम निकल गए क्योंकि उसके अंदर जो जब इनको बचा रहे थे लड़के को, दूसरे वाले को जो बचाने में लगे हुए, तो एक आए जो हमारा ASI है उसका रिवॉल्वर जो पीछे वो बक्का वो था हुक जो था उसका, वो टूट के रिवॉल्वर नीचे गिर गया उसका। सर कैदी कितने दिन से जेल में बंद था और किस मामले में वांछित था? ये जो है स्नैचिंग है लूट के मुकदमे में वांछित था और मर्डर केस में वांछित था। सर कब से था? कब से? काफ़ी दिनों से जेल उसमें जुडिशल कस्टडी में था, 8 तारीख की।